तो हालात जैसे भी हैं, अपने बच्चों को कभी डीमोटिवेट होने ना दें, उन्हें हमेशा मोटिवेट करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के ना इस टाइम 10:30 बज रहे हैं और हमारे बच्चों का जो है मॉनसून वेकेशन जो है स्टार्ट हो गया है। बच्चों का जो है समर वेकेशन वो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे बच्चों की समर वेकेशन नहीं होती, हमारे बच्चों की होती है मॉनसून वेकेशन। तो फिलहाल बच्चों की अब मॉनसून वेकेशन स्टार्ट हो गई है और आज है बच्चों का फर्स्ट टर्म का पीटीएम। तो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट है, अब देखते हैं बच्चों ने क्या किया होगा। फिलहाल चलते हैं पीटीएम में और देखते हैं बच्चों ने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो गाइस, फिलहाल मैं आ गई थी गाड़ी में और ये है मेरा ब्रेकफास्ट ओट्स। तो एक्चुअली मैंने घर पे नहीं खाया था, एक्चुअली मुझे जब कहीं जाना होता है ना जल्दी जल्दी में तो मैं खा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि गाड़ी में ही ले जाओ और आराम से बैठ के खा लेना। तो फिर मैंने यहाँ पे डब्बे में इसको डाल दिया और मैं इसको आराम से बैठ के खाऊंगी अब। लगभग 13 किलोमीटर का सफ़र कर हम पहुंच गए हैं बच्चों के स्कूल में। और ना एक्चुअली बच्चों है ज़्यादा नर्वस, ना मैं थी कि पता नहीं बच्चों ने क्या किया होगा। और इस बार ना मैंने बहुत मेहनत करी है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन नहीं था। लास्ट टाइम में अनुभव की ट्यूशन हुई थी तो इतना टाइम भी नहीं मिला पढ़ाने का, ट्यूटर के खुद भी एग्ज़ाम चल रहे थे। सो फ्रेंड्स, बच्चों का जो हमारा जो पीटीएम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार बच्चों ने अच्छा इतना किया नहीं है। राशि का तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट आनू और आबू का तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आनू का फिर भी सही है, बट फर्स्ट टर्म है, अब देखते हैं शायद सेकंड टर्म में शायद बच्चे सही करें। बट चलो क्या कर सकते हैं, हर बार नहीं कर सकता ना, हर बच्चा साइंटिस्ट तो नहीं बन सकता। बट आबू का थोड़ा सा लगा मुझे कि आबू ने मतलब अच्छा नहीं किया है। आनू का सो है, राशि का भी थोड़ी प्रॉब्लम है मैथ्स में और साइंस में, राशि का बहुत प्रॉब्लम है। आई होप नेक्स्ट टाइम बच्चे ठीक कर लेंगे, यही उम्मीद रखते हैं। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. तो स्कूल से आने के बाद फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मार्केट, और मार्केट में आ गए हैं ज्वेलर की शॉप में, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ना एक पायल लेने का मन हो रहा था तो बस मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज अगर मार्केट आए हो तो फिर ले ही लो, कि मुझे एक पतली सी पायल चाहिए थी, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए थी, नॉर्मल सी चाहिए थी डेली वेज के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक चांदी की पायल ले ली है। और फिर हम लोग आ गए फ्रेंड्स पंसारी की दुकान से, तो यहाँ से हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए। तो यहाँ पे ना बादाम काफ़ी अच्छे थे और जो किशमिश काजू भी था वो भी काफ़ी अच्छा था और मार्केट के अकॉर्डिंग। और पंसारी की शॉप में ना अच्छी चीज़ें मिल जाती है, मतलब ट्रस्टेबल चीज़ें। और फिर फ्रेंड्स हम लोग आ गए मार्केट में, यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे मैंगोज़ थे ना, जो मैंगोज़ मैं खाती हूँ ना वही वाले मैंगोज़ थे। तो मेरा बस फिर दिल माना ही नहीं, मैंने बोला कि बस यही वाले मैंगो लेने हैं मुझे यार, जैसे वो मर्जी हो। तो बच्चे यहाँ पे छाट रहे हैं, डाल रहे हैं थैले में, तो इसलिए बस फटाफट से मैंने ये मैंगो लिए। मुझे वो दूसरे वाले जो बड़े बड़े होते हैं वो उतने खास पसंद नहीं है, और जो गाँव के ये होते हैं ना छोटे छोटे से जूसने से वाले आम, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर सारा बिक गया था, लास्ट में सिर्फ 1.5 किलो था तो वो हमने लिया। और बात है फ्रेंड्स सब बच्चों को कुछ खिलाने की, तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो गया था और हमें घर जल्दी जाना था, तो हमने सिर्फ यहाँ पे बच्चों के लिए हम बेकरी में आ गए और बच्चों की पसंद की जो भी उनको पसंद था वो सारा सामान हमने ले लिया। सो गाइस, फिलहाल थोड़ी सी मार्केट की जो शॉपिंग थी हमारी वो हमारी हो चुकी है, और ज़्यादा कुछ था नहीं मार्केट में, बस ये था कि चलो अब आए हैं तो थोड़ा थोड़ा जो हमारा काम था वो हमने कर लिया। और फिलहाल अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। और फिलहाल हम लोग पहुंच गए फ्रेंड्स पार्किंग में। व्यू देख रहे हो आप हमारे शहर का, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बादलों पे चल रहे हों। तो अभी मैं आपको और साइड का व्यू दिखाती हूँ, पहले सामान रख लूँ। लो बेटा ये भी रखो, तो ध्यान से रखना, ये तो रखो, ये आम और ये रखो ना इसमें, बस वो निकाल लेना वो बाहर स्नैक्स खाने के लिए, अच्छे से रखना। तो गाइस ये देखिए यहाँ का व्यू, व्यू देखिए कितना मस्त है। ये देखिए ये नीचे रोड है, वहाँ देखिए सामने पहाड़ों का व्यू। तो ऐसा कुछ व्यू यहाँ का हो रखा है, और अब हम चलते हैं बस घर की तरफ। पापा आ गए, चलो फिर चलो, चलो चलो फिर चलो। हम लोग आ गए हैं अपनी गाड़ी में और खा लेते हैं अपना स्नैक्स जो हम लेके आए थे बेकरी से। और पीछे हैं ये बच्चे लोग, ये भी अपना अपना स्नैक्स खा रहे हैं, और वो तो है गाड़ी चलाने में बिजी। चल हम लोग अपना स्नैक्स खा लेते हैं, क्योंकि जब तक घर जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा।
और जैसे ही फ्रेंड्स हम घर में पहुंचे तो हमारा जो नीचे वाला रूम है जो हमने किराए पे चढ़ाया है वहां पर ना सांप आ गया था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। वैसे तो सांप छोटा ही था बट वही बोलते हैं ना कि सांप का नाम बड़ा ही है, तो डर लग रहा था। और बेचारे घर पे ना इनके बच्चे बच्चे ही रहते हैं, जो इसकी जो मम्मी है वो काम पे जाती है और यहाँ पर बेचारे बच्चे बच्चे रहते थे। तो शुक्र आज मेरे हस्बैंड घर पर थे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता हम लोग को ना, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसीलिए गर्मी में ना आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जितना हो सके सेफ रखिएगा, ज़्यादा भरा भरा सामान ना हो घर पर, बस ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड फिलहाल मैं यहाँ पे घर पर आ गई थी, जो और इस टाइम पे मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी क्योंकि राशि ने काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही थी, उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए और बच्चों को तो क्या बोलना, आप को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो जब बच्चे बड़े जाते हैं ना फ्रेंड, तो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हर वक्त हम बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, हर वक्त हम बच्चों को चिल्ला नहीं सकते हैं। तो इस टाइम पर मैं बच्चों को ये समझा रही थी कि चलो कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट टर्म था और सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करना और हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनाना, आप लोग किसी से कम नहीं हो, मेहनत करोगे तो कर लोगे आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, टॉपर कोई भी बन सकता है, जो मेहनत करेगा वही टॉपर बनेगा। क्योंकि राशि बोल रही थी कि मम्मी वो टॉपर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। तो मैं राशि को यही बता रही थी कि बेटा टॉपर हर एक बच्चा बन जाता है, वो कोई पेट से सीख के थोड़ी ना आए हैं, बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत करो, स्ट्रेस ना लो, हर एक चीज़ का एक बैलेंस बना के रखो, टाइम दो हर चीज़ के लिए, स्टडी के लिए, गेम्स के लिए और गॉसिप के लिए, अपना एंटरटेनमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए अपना टाइम दो और बिल्कुल उस पर घुसना नहीं है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है और सब कुछ अच्छा होगा। बस ये कि मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इतना ज़रूर है। तो गाइज़ अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें, कभी भी उन्हें डीमोटिवेट ना होने दें और हमेशा उनके साथ रहें, किसी भी सिचुएशन में उनका साथ दें बस। फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने बच्चों के साथ थोड़ी सी बातें करी और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया, क्योंकि पता क्या है कि मेहनत तो बच्चों ने बहुत करी है, लेकिन हर इंसान या बोल सकते हैं कि हर बच्चा एक दिन से परफेक्ट नहीं निकल पाता, कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और वैसे ही फर्स्ट टर्म था तो इतना हाई लेवल का हम लोग नहीं सोच सकते और हमें अपने बच्चे को प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि थोड़ा सा आजकल का माहौल आप देख ही रहे हो कि इतना ज़्यादा सिलेबस हार्ड है, इतना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ा सा बच्चा डाउन हो जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो कवर कर लेगा। लेकिन उसने उस वजह से आपने अपने बच्चों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, उसको गिराना नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा, बच्चे लोग कर लेते हैं अपने आप, उनका माइंड बहुत शार्प होता है, बस थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो लोग कर लेते हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम पे मेरे बच्चे भी कर लेंगे। सो गाइज़ अपने बच्चों को ना कभी भी बिल्कुल डाउन मत होने दें और जितना हो सके उनको वैसे पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव ना जाने दें और उन पर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हैं वो कर ही लेंगे, ज़्यादा ना सही कम कर लेंगे बट कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहें, मैं भी अपने बच्चों के साथ हमेशा रहूँगी। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड बाय बाय।